हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण कैनेडियन इमिग्रेशन पटियाला से बोल रही हूँ। आज इस वीडियो जरिए मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट ने किसी ब्यूटी पार्लर की आईटी की हुई है तो वो कैसे बाहर जा सकता है। पहली बात तो ये है कि अगर किसी बच्चे ने आईटी की है, अगर वो एससीबीटी के अंडर है तो वो स्टेट लेवल तक काम कर सकता है, और अगर किसी बच्चे ने एनसीबीटी के अंडर आईटी की है तो वो इंटरनेशनल लेवल तक जाके जॉब प्राप्त कर सकता है। इसलिए किसी बच्चे ने अगर फॉरेन कंट्री जाके सेटल होना है तो उसकी आईटीआई एनसीबीटी के अंडर होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने का, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्ल्स हैं वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही हैं और फॉरेन कंट्री जाके सेटल हो रही हैं। अगर आपका आईटीआई का एक साल का ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ है तो आप इजीली फॉरेन कंट्री जाके सेटल हो सकते हो। इसके दो साधन हैं, एक तो है हायर स्टडी के लिए और एक है पीआर लेने के लिए। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पीआर के लिए। अगर आपने एक साल की आईटी ब्यूटी पार्लर की हुई है तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने आईटी एक साल की एनसीबीटी के अंडर की होनी चाहिए और आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और आपने प्लस टू की होनी चाहिए, तो आप इजीली पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आपने एक साल का एक्सपीरियंस लेना है वो बाय है, आपने जो सैलरी ली है वो बाय कैश नहीं होनी चाहिए, वो सैलरी आपकी अकाउंट में आनी चाहिए। यहाँ पर ये नहीं मायने रखता कि आपने जो सैलरी ली है वो कितनी ली है, बेशक आपकी सैलरी 2000 भी हो तो भी चलेगा, लेकिन आपकी सैलरी आपके अकाउंट में होनी चाहिए और आपके पास उसका पूरा प्रूफ होना चाहिए, तो वो आपका एक साल का एक्सपीरियंस गिनती में आएगा। इसके अलावा आपने आईलेट्स की होनी चाहिए और आईलेट्स में आपके 5.5 बैंड होने चाहिए जनरल आईलेट्स में, तो आप इजीली पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप उधर जा रहे हो कनाडा में तो वहाँ जाकर आप एज ए हेयर ड्रेसर और एज ए नेल आर्ट का काम कर सकते हैं। अगर आप कनाडा चले गए तो वहाँ आप इसके बेस पर पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, अपना खुद का सैलून भी खोल सकते हैं और किसी सैलून में काम भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सैलून खोलना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन वहाँ पर जाके आपको इजीली सैलून ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और इजीली काम कर सकते हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के बाद भी आप पार्ट टाइम घर बैठकर काम करके कैश इन हैंड पैसे कमा सकते हैं, इसलिए इसका फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर इससे ज़्यादा आपको जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे वीजा एक्सपर्ट से 9882950000 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।